Congress politics has become a towards the soft Naxalite. इनका जो slogans है ये सब अभी गांधीयन principle को reflect नहीं करते हैं. हम भी कांग्रेस में 22 साल रहा, ये जैसा स्लोगन वगैरह नहीं था कांग्रेस का. कांग्रेस का स्लोगन सॉफ्ट था, एक अलग ही था. तो मैं तो देखा हूं कि वो लोग तो कांग्रेस का सोल को भी मार दिया है. एंटायर कार्केट, एंटायर थिंग वाज फुल विद द सो कॉल्ड लेफ्ट पीपल, लेफ्ट लिनियंस पीपल. और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने, कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में. मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है. राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है, बाहर ही यूज ए बॉडी डबल. दैट इज द क्वेश्चन ए सैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा. आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते. क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए. नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वो ही रहता है. तो बास का सामने कौन रहता है जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के? तो ये यात्रा क्या यात्रा था? और यात्रा का समय देखिए, असम में एक बहुत बड़ा कम्युनल क्लैश खड़ा करने के लिए उन्होंने सरयन रचा था. गुवाहाटी में तो उनका एक झलक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समय में असम से गुजरे और असम में बहुत बड़ा क्लैश हो जाए. लेकिन हमारा पार्टी का लोग या जो भी राम भक्त लोग सब ने काफी अपने आप को रेस्ट्रेन किया और असम में गड़बड़ी होने नहीं दिया. तो इसीलिए मैं असम वासियों को धन्यवाद देता हूं. और राहुल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपने लसित बरफुकन का समाधि में नहीं जाके, आपने बरपेटा पाटबाउसी सत्र में नहीं जाके, आपने मां कामाख्या मंदिर में नहीं जाके, आपने धुबरी गुरुद्वारा में नहीं जाके, आपने जो आपका अपने अहंकार दिखाया या अहंकार को असम का जनता अच्छा से आपको लोकसभा चुनाव में आपको देख लेगा, ये मैं आपको आज ही कमिटमेंट देता हूं. आप मेरा कमिटमेंट ले लीजिए, असम में पहले से भी कम सीट मिलेगा कांग्रेस को और अच्छा अच्छा वोट का मार्जिन से हम लोग कांग्रेस पार्टी को हराऊंगा, ये भी वादा आप आज ही मेरे से ले लीजिए.